आज हम बनाएंगे छोले जो पंजाबी स्टाइल में बनाते हैं। मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी, तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए पूरी रेसिपी बने वहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स, छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पंजाबी छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले लेंगे, इसे काबुली चना बोलते हैं। इसको मैंने रात को भिगो के रखा था, अभी हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अभी हमें कुकर लेंगे और ये छोले इसमें डाल देंगे और फिर पानी डालेंगे और फिर आधा टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, दो टुकड़े तेज पत्ते के डालेंगे और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुकिंग सोडा डालेंगे। इससे हमारे चने अच्छे से फूल जाएंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे। अभी हम गैस ऑन कर लिया है, अभी कुकर को गैस पे रख के 3 से 4 सीटी बजा लेंगे। तो अभी हम चेक कर लेंगे कुकर में ढक्कन खोल के, हमारे छोले बॉयल हुए हैं। हमारे छोले अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और अगर आप इसमें कलर आने के लिए इसमें चाय पत्ती की पोटली बना के भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसमें नहीं डाली। अभी हम और तैयारी कर लेंगे। तो अभी मैंने इसमें 2 टोमेटो लिए हैं, लहसुन और थोड़ा सा अदरक, तो हम इसे मिक्सचर जार में डाल देंगे। और फिर हम उसमें थोड़ा सा अनारदाना डाल देंगे। इसमें आप रेडीमेड अनारदाना मिलता है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ये फ्रेश अनारदाना डाल रही हूँ। अभी हम इसे क्रश कर लेंगे, ग्रेवी बना लेंगे। तो हमारी ग्रेवी रेडी है। अभी यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, अभी तेल हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें जीरा डालेंगे और फिर ये मैंने 2 चॉप की हुई प्याज ली है वो डालेंगे। फिर थोड़ी सी हींग डालेंगे और 2 मिनट इसे पकने देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि छोले बॉयल किए उसमें भी नमक डाला हुआ है। और फिर हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने जो ये टोमेटो प्यूरी बनाई थी, टोमेटो लहसुन और अदरक डाल के और अनारदाना डाला था वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अभी हम इसे 2 मिनट पकने देंगे। अभी हमने जो छोले बॉयल किए हैं उसमें से थोड़े छोले इसमें निकाल लेंगे। अभी मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अभी हम 1 मिनट इसे ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे, फिर इसमें छोले डाल देंगे। तो मसाले की अच्छी सी खुशबू आ गई है और मसाला हमारा पक चुका है। अभी हम उसमें छोले ऐड कर देंगे, पानी के साथ ही ऐड कर देंगे जो बॉयल किया हुआ पानी था, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो छोले मैंने बॉयल किए हुए निकाले थे थोड़े से, उससे हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी हम इसे छोले में डाल देंगे, इससे हमारे छोले की ग्रेवी थोड़ी सी कट होगी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर
जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी उसमें डालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और 5 से 7 मिनट इसे पकने देंगे। तो अभी हम छोले चेक कर लेंगे। अभी हम इसमें लास्ट में छोले मसाला डाल देंगे। तो अभी हमारे छोले रेडी है, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। छोले बाउल में निकाल लिए, अभी इसे मैं 2 मिनट ढक दूंगी, फिर हम इसमें तड़का लगा लेंगे। तो अभी हम छोले में तड़का लगा लेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल गरम होने रखा है। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने अदरक की स्लाइस की है, 2 हरी मिर्च की स्लाइस की है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो अभी हम तड़का लगा लेंगे। तो इसमें डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। फिर उसमें मैं 2 पोटैटो है छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, वो भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी तड़के में। अभी हम पोटैटो भी डाल देंगे। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो को हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। फ्राई पोटैटो और चिल्ली और अदरक उसका तड़का अच्छे से छोले में टेस्ट आएगा इसका, इसीलिए हम इसे तड़के में डालेंगे। तो अभी 2 मिनट इसे फ्राई होने देंगे। तो पोटैटो हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें कलर, तड़के में कलर लाने के लिए थोड़े से कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम तड़का लगा लेंगे। तो अभी हम तड़का लगा लेंगे छोले में। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारे छोले रेडी हो गए। तो आप भी इसे घर पे बना के खा सकते हो। मैंने इसमें पोटैटो डाला है, बच्चे को पोटैटो भी इसके साथ अच्छा लगता है। तो अभी हमारे छोले रेडी है। अभी हम उसमें वैसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। और फिर ऑनियन की स्लाइस रखेंगे। फ्रेंड्स, आपको भी अगर छोले की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी घर पे बना के खाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।